मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 4। आज 4 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कर्ण का जीवन दर्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज भी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। कर्ण का जीवन दर्शन। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन। मैंने कर्ण के जीवन दर्शन के बारे में कुछ आपको बताया था। इसके कौन राइटर है? रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। ओके, और ये कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती के। ये महारथी कर्ण योद्धा भी थे। तो मैं इसके बारे में आपको श्लोक पढ़ाई थी, तो जो पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ लिखाऊंगी और मीनिंग्स। ओके, तो जीवन कर्ण का जीवन दर्शन, आइए यहाँ पढ़ेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, क्या कहते? वैभव विलास की चाह नहीं। क्या हम लिखेंगे कविता के अर्थ? ओके, मैं इसका एक्सप्लेन की थी, पर मैं आपको शॉर्ट में लिख के 1-2-4 बता देती हूँ, ताकि आपको वर्कशीट में भी ऐसे आ सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं, और आपको कंप्लीटली लिखना ही पड़ेगा। ओके, वैभव विलास क्या लिखेंगे हम? वैभव विलास। ओके, तो मैं इसको पूरा नहीं, आपको पूरा करना होगा कि इसके बाद ही जाएगा जैसे डॉट डॉट, तो वैभव विलास, फिर लास्ट में जो इसका कविता का सार है वो आप बीच में लिखेंगे। और लास्ट में आ जाएगा आपका वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, और लास्ट में आ जाएगा सदा सदा। तो इसे आपका जो काव्य बीच में पंक्ति आता है वो आपको लिखना होगा। तो क्या है? वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देवा देव सहित निर्मल। और आपको ये क्या लिखना है? दान की देवा के सिर्फ। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, कर्ण किससे कहते हैं? श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं। कर्ण किससे कहते हैं? कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें कोई धन दौलत की चाह नहीं, ओके? क्या कहते हैं कि हमें किसी चीज की चाह नहीं, सुख भोगने की इच्छा नहीं, धन दौलत की चाह नहीं, संसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं, चाह नहीं, संसारिक सुख भोगने की चाह। तो इसका अर्थ पूरा कंप्लीटली जो मैं बता रही हूँ, ऐसे और भी जितने सारे कविता हैं, तो शॉर्ट कट में 2-4 लाइन लिखूंगी, फिर बीच में गैप रहेगा, आपको उसको पूरा करना है। अगर हमने कुछ दिया कविता के सार का अर्थ लिखे, इसका अर्थ लिखे, या कविता पूर्ण कीजिए, तो आपको पूर्ण करना होगा। फिर करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, करतल
से धरती रहे सजा, निर्धन को भरती रहे सजा। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, उनकी बस यही इच्छा है कि अपने हाथों से दान की पवित्रता सदा करते रहें। ओके, उनकी क्या इच्छा रहती है? उनकी यही इच्छा रहती है, उनकी इच्छा ये है कि अपने हाथ से वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं दूर हो जाती है।
खुशियाँ मिलती है। वैभव पाकर क्या मिलता है? ढेर सारी चिंताएं और खुशियाँ मिलती है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? बहुत सारी खुशियाँ मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर मनुष्य को बहुत सारी खुशियाँ मिलता है। इसमें और भी आएंगे, थोड़ा ऐड कर लेंगे। और सारी ढेर सारी खुशियाँ मिलता है उसे, ढेर सारी चिंताएं क्या होती है, और नाम मात्र की हंसी खुशी भी मिलती है। ढेर सारी जो चिंता होती है वो भी दूर होती है और हंसी खुशी भी मिलती है। थोड़ी बहुत दमक चमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल सकता है। थोड़ी बहुत दमक चमक थोड़ी बहुत, हम क्या लिखेंगे? थोड़ी बहुत दमक चमक, थोड़ी बहुत चमक, दमक चमक थोड़े समय के लिए सुख क्या कर सकते हैं? वो सुख भोग मिल सकता है, सुख भोग मिल सकता है। पर ये सारी चीज़ें उसे क्या चाहिए था? ये सारी चीज़ें यही उसे छोड़ के जाना है। उसको क्या करना है? उसे ये सब सारी चीज़ें यही छोड़ देनी है। तो समय के लिए सुख भोग मिल सकता है, मिल सकता है और ये सब यही छोड़ देनी है, और ये सब यही छोड़ देनी है। ओके, ये सब यही छोड़ देनी है। फिर मैं आगे नेक्स्ट, मुझसे डैश देते हैं और खाली हाथ से यहीं से जाना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सुख भोग मिल सकता है और यही सब छोड़ देनी है। जैसे हम खाली हाथ आएंगे और खाली जाते हैं, हाथ जाते हैं और खाली हाथ देनी है और खाली हाथ जाएंगे और खाली देखिए, मैं आपको ये दो ऐसे लिख के वाक्य का बता दी कि ऐसे करना है। तो ऐसे जितने हमारे टेक्स्ट बुक में जो कविता का सार है, तो वैसे मैं आपको यहाँ एक बार दिखा दूँ कि आपको ये पूरा तो है, तो मैं ऐसे शॉर्टकट में फिल इन द ब्लैंक्स करके ले सकती हूँ और ये वाक्य को, कविता को पूर्ण की
दीजिए। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया था, अभी प्रसादों के कनक का डैश, प्रसादों के कनक का डैश फिर फटी दरारों में, प्रसादों के कनक का डैश फटी दरारों में आ सकता है और आगे भी ऐसे आएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए और मैं आपको मीनिंग लिखा देती हूँ। तो आप समझ गए कि अर्थ लिखने के लिए भी आएगा, फिलिंग का डैश आएगा, कविता को पूर्ण कीजिए, विकल्प आएंगे, ये सब आपको मालूम ही है। ओके, और मैं बता दे रही हूँ कि ये सब क्वेश्चन प्रिंट और सीधा कहीं और से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि जो आपके जो मैंने यहाँ बोर्ड पे पढ़ाया लिखाया बस उतना ही है, हम और भी बना के कुछ निकाल सकते हैं, क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग या फिलिंग द ब्लैंक्स इटीसी, जो भी इसमें मैटर आता है सारे विकल्प में आता है, ए बी सी डी वो सब। तो आपको जान तो उसमें से चार विकल्प में से एक विकल्प राइट होगा, आपको उसमें से लिखना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं, ओके, तो ऐसा ध्यान नहीं देना, हम नहीं लिखेंगे इसका। कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण का जीवन दर्शन रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है, ये तो आपको मालूम है, इनका जन्मदिन मालूम हो गया, आपका मृत्यु कब हुआ था वो भी। तो मैं इनके बारे में का मीनिंग लिखाऊंगी, शब्दार्थ, प्राय शब्दार्थ, शब्दार्थ है ना, लिखिए शब्दार्थ लिखिए। वैभव, कल मैंने बताई थी कि वैभव का मतलब क्या था, वैभव, ओके, धन दौलत, धन दौलत, आप भी नोट में लिखते जाएंगे धन दौलत, ओके, नोटबुक निकालिए, धन दौलत की विलास, विलास क्या है, विलास, सुख भोग, चाह नहीं है उनकी चाह, इच्छा, इच्छा चाह है इच्छा, फिर परवाह, इच्छा भी हो सकता है और अभिलाषा भी हो सकता है, अभिलाषा, अभिलाषा चाह इच्छा अभिलाषा, फिर परवाह, 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 चिंता, चिंता, फिर निर्मल, पवित्र, निर्मल, पवित्र, ये अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है आपको, कि कहीं भी कुछ आपको पता ना चले तो इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं और बता सकते हैं, ओके। तो क्या है, पवित्र, शुद्ध, शुद्ध, फिर कर्ता, कर्ताल, हाथ क्या है, हाथ, हाथ, हस्त ये भी बोल सकते हैं, हथेली, कर्ताल, हथेली, हथेली, ओके, निर्धन, निर्धन क्या लिखेंगे, निर्धन, निर्धन मीन्स क्या होता है, निर्धन, कंगाल, कंगाल या धनरहित, दोनों भी होता है, कंगाल या धनरहित, कंगाल लिखिए, फिर धन रहित भी लिख सकते हैं हम या कंगाल भी लिख सकते हैं,
जिसके पास धन नहीं होता है। नेक्स्ट है विभव, धन संपत्ति। विभव धन संपत्ति। Thank you.
अत्यंत बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ओके, एक ही वर्ड को कितने सारे वर्ड कवर्ड है, जैसे हास मीन्स निंदा करना, हम किसी का हास करते हैं ना, हास मीन्स निंदा, निंदा। ओके, हास मीन्स निंदा। फिर आपको कंचन, सोना, कंचन, कंचन सोना। सुवर्ण, सुवर्ण। तपछिन, तप छिन। निर्बल, बल। किरीट, मुकुट। किरीट मीन्स क्या होगा, किरीट, किरीट मुकुट, किरीट मुकुट, मुकुट। मुकुट किसको बोलते हैं जानते हैं बच्चों? मुकुट उसको जो राजा के सिर पे मुकुट पहनाते हैं ना, इसीलिए बताया था ना उसमें कि राजा कितना भी कुछ पहन ले अगर मुकुट ना पहने तो वो राजा नहीं दिखता है। तो ये क्या है, किरीट मुकुट, जो हमारी उस कविता में था। और फिर मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुकुट उसी को बोलते हैं ताज। फिर दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी भी उसे छोड़। क्या करता है, उनके ऊपर क्या था, घोर विपत आई थी तो वो क्या किए थे, वो छोड़ने थे। आपत, आतप, धूप, उष्णता। आतप देखिए, आतप, आतप धूप या देखिए, मैं आपको इस चैप्टर में अभी समझा रही हूँ कि स्वाध्याय में आपका आएगा ऊंचे स्वर में पद्य और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसको क्या करना है बच्चों, आप यहाँ देखिए, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग करके इसका वाक्य बनाना है। तो क्या है, अत्यंत चाकचिक्य, चाकचिक्य में समझते हैं क्या है, चाकचिक्य मतलब चमक। हम क्या लिखेंगे यहाँ, चाकचिक्य, चाकचिक्य मीन्स चमक, चमक। ओके, चमक या चकाचौंध, चकाचौंध। ओके, लिख लिया चकाचौंध। फिर नेक्स्ट क्या है, कनकाभ, तपछिन, तपछिन। मैंने आपको लिखा है तपछिन मीन्स निर्बल, तपछिन। क्लेश, दुख। झंझावत, झंझावत मीन्स वर्षा, ये नहीं करना, ठीक है, झंझावत, झंझावत। क्या हुआ, वर्षा, झंझावत का अर्थ क्या लिखेंगे हम, वर्षा सहित तीव्र आंधी, वर्षा सहित तीव्र आंधी। यह मैंने लिख लिया चकाचौंध, फिर वर्षा सहित तीव्र आंधी। फिर ये कंप्लीट हो गया आपका, और आगे क्या लिखूंगी मैं, झंझावत, वर्षा सहित तीव्र आंधी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फणी बंद, फणी बंद, फणी बंद का वाक्य भी आपको लिख के, वाक्य लिखना होगा इसको। पहले ऊंचे स्वर में तो पढ़ना है, फिर उसका वाक्य लिखना है, तो इसमें से भी वर्कशीट आ सकता है। फिर संक्षेप में उत्तर दीजिए, वो भी
में उत्तर दिया, इसका मैं आगे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और आपको पहले मैंने बताया ना कि ये टेक्स्ट बुक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि ऐसा आपका ये कविता है, तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा लिखूंगी, दो लाइन लिख के बीच में ब्लैंक हो सकता है, फिर इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर मैं लिख दूंगी कि वाक्य को अर्थ में लिखिए तो वाक्य में लिखना है, और वाक्य में अर्थ लिखना है तो लिखिए, फिर इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए ऊंचे स्वर पर। जो मैंने अभी यहाँ आपको शब्दार्थ लिखा है जैसे झंझावर चाकचिक्या, तो इनका मैंने लिखूंगी कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि चमक चकाचौंध है तो इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। हरिओम, थैंक यू।